अरे खोरा मोहल्ले के अंदर एक याकूब नाम के लड़के का मर्डर हुआ। ये सच बात है कि वर्ल्ड मर्डर करने वाले विजेंद्र जी के सहजातीय बंधु थे, उन्हीं के समाज के लोग थे। लेकिन जो भी हुआ, एक सीकर के हॉस्पिटल के अंदर बीमार आदमी जिसकी मौत हो गई, उसको सड़क पर लाके, बीमार मरने के बाद उस आदमी को सड़क पर लाके जाम लगा दिया, और 50 मुसलमानों को, जो आदमी हॉस्पिटल में अपनी मौत मरा था मटर का मुकदमा लगा के, और 50 मुसलमानों को 302 के मुलजिम बना दिए, और 1000 लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने मारा नहीं था, मौत मरा था वो, और उसमें बीजेपी और कांग्रेस के सारे नेता बैठकर मुसलमान 50 को, विजेंद्र अड़ा को क्या फर्क पड़ता है? ये मुसलमान कोशिश कर रहा था कि हमारे, अरे ये आदमी हॉस्पिटल में बीमार होके मरा है, हमारे आदमी का कत्ल हुआ है, हमारा आदमी कत्ल हुआ, उसके उसमें कार्रवाई नहीं हो रही याकूब में, और बीमार जिसकी दोनों किडनियां खराब थी उसमें हमारे लोगों को जेल में ठोका जा रहा है। विजेंद्र वाला बात नहीं करता, फोन नहीं उठाता, क्योंकि मुसलमान नाराज नहीं हो सकता, जाट नाराज हो जाएगा, इसलिए विजेंद्र वाला चुप रहता है। अरे मंडावा की एक बच्ची हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए गई थी, और उस ईद बानों का किडनी गुर्दा निकाल लिया डॉक्टर ने, और वो बच्ची अल्लाह की प्यारी हो गई, उसके छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए। विजेंद्र वाला रीटा चौधरी नहीं बोलते, क्यों? जाट नाराज हो जाएगा, मुसलमान नाराज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे बच्चा भी अपनी मां से नाराजगी जाहिर करता है, 2 साल का बच्चा, वो भी रूसता है। तुम तो रूसना ही भूल गए, तुमसे तो 1 साल का, 2 साल का बच्चा भी अच्छा जो कहता है अपनी नाराजगी अपनी मां से करता है, तुम तो नाराजगी नहीं करते। और उसी का रिजल्ट है चेलासी के अंदर दूसरे एक नौजवान का कत्ल हो जाता है। कत्ल वही है जो उस खोरा मोहल्ले में जिन्होंने कत्ल की, वही उनके भाई। चेलासी में 2 महीने पहले एक मुसलमान के बच्चों का फिर कत्ल हो जाता है, उस मर्डर को भी खा जाते हैं, उसमें कार्रवाई नहीं हुई, कातिल आजाद घूम रहे हैं, और आज 21 तारीख को फिर एक मुसलमान धोबी का, गरीब का बच्चे, 22 साल के बच्चे का फिर किडनैप और फिर हत्या, हॉस्पिटल में दम तोड़ दे रहा, जिंदगी की मौत की जंग हार जाता है वो, पूरा प्रशासन लग के, और उस मुसलमान को परिवार को दबा के रात उसको दफनाना चाहता है। अरे तुम्हारे बच्चों के रोज कत्ल हो रहे हैं, और उसके बाद तुम कैसे माँ बाप हो, कैसे बुजुर्ग हो? अरे नोलगढ़ झुंझुनू जिले में आता है, विजेंद्र ओड़ा के विधान लोकसभा क्षेत्र में है, जिस बच्चे की लाश पड़ी है, और अभी उसकी लाश पड़ी है, उसको बेरहमी से कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद एक नरेंद्र महिला उस बच्चे के बाप को कहता, तेरे बेटे को बोरी लेके आ जा, टुकड़े हो गए हैं, ऐसे लाश नहीं ले जा पाएगा, ले जा इसको, फिर मुकदमा दर्ज नहीं होता। 5 दिन तक उसका परिवार लोलगढ़ और मुकटगढ़ के बीच में चक्कर काटता है, एसपी साहब को कहना पड़ता है, डिप्टी साहब को कहना पड़ता है मुकदमे के लिए, विजेंद्र बड़ा नहीं बोलता। किस लिए बना रखा आपने इसको? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बच्चों का कत्ल हो रहे हैं, आपके पीपली चौक के अंदर एक साजिद के साथ बदमाशी होती है। मैं पूछना चाहता हूं, संविधान के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि जाति के आधार पर किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा, धर्म के आधार पर किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। ये दाढ़ी देख के, टोपी देख के, बुर्का देख के और नाम देख के आप क्यों पक्षपात कर रहे हो?